हेलो गाइस, मैं निमेश, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं पोको M4 Pro 5G मोबाइल का गेमिंग एंड परफॉर्मेंस टेस्ट। आज के इस वीडियो पर मैं आपको दो गेम्स खेल के दिखाने वाला हूं। दोनों हेवी गेम्स है, BGMI एंड Asphalt 9, एंड दोनों बहुत ही हाई एंड ग्राफिक्स में मैं आपको खेल के दिखाऊंगा एंड कैसा आपको परफॉर्मेंस मिलता है हाई एंड ग्राफिक्स में एंड स्मूथ पे लो सेटिंग्स पे कैसा परफॉर्मेंस मिलता है, दोनों आप इस वीडियो में जान पाओगे। अगर आपका बजट 15,000 रुपये है एंड अगर आप एक 5G फोन लेना चाहते हो एंड पोको M4 Pro 5G को आप कंसिडर कर रहे हो, तो आज के इस वीडियो में इसका गेमिंग रिव्यू भी आपको मिल जाएगा कि आपको इसके अंदर कैसा गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। गेमिंग पर्पज से ले रहे हो तो क्या आपको ये लेना चाहिए या नहीं, इस वीडियो में आपको ये पता चलने वाला है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। चलो इस वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज, मैं अपने पोको M4 Pro 5G मोबाइल फोन का, मैंने आपको इसका वीडियो दिया हुआ था कुछ दिन पहले अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशन, आज मैं आपको इसका गेमिंग एंड परफॉर्मेंस टेस्ट देने वाला हूं। तो इसके अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करूंगा एंड मैं आपको दो गेम्स खेल करके दिखाता हूं। चलो, सो गाइज, मैंने यहां पे गेम चालू कर दिया है। चलो हेडफोन लगा लेते हैं। तो सोनी के MDR हेडफोन्स है मेरे पास, फुल ओवर द हेड हेडफोन है, इनको लगाते हैं। इसके अंदर आपको 3.5 mm का जैक देखने को मिलता है, तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। अगर आप एक गेमर हो तो आपको बहुत ही अच्छा लैग फ्री एक्सपीरियंस मिलने वाला है ऑडियो में, क्योंकि यहाँ पे आपको वायर्ड हेडफोन का कनेक्शन देखने को मिलता है। सेटिंग्स पे ले चलता हूँ। ग्राफिक्स देख सकते हो, HD एंड हाई तक का मैक्सिमम दिया गया है एंड स्मूथ पे अल्ट्रा तक आप इसमें खेल सकते हो। तो एक बार मैं स्मूथ अल्ट्रा पे रखता हूँ, फिर मैं HD हाई पे आपको रख के आगे खेल के दिखाता हूँ। अभी स्मूथ एंड अल्ट्रा पे सेट मैंने कर दिया है। चलो गेम को स्टार्ट करते हैं। इरेंगल का एक मैच यहाँ पे है। फोन पे अभी तक कोई भी हीटिंग इशू नहीं है। फोन का बैटरी परसेंटेज मैं आपको दिखाता हूँ, अभी 58% पे है। एंड कितना बैटरी ड्रेन होता है एक गेम पे ये आपको पता चल जाएगा। मैच मेकिंग में टाइम लग रहा है। चलो स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, कितना स्मूथनेस यहाँ देखने को मिल रहा है। इस फोन पे ना आपको 6.62 इंच का स्क्रीन मिलता है फुल HD+ एंड 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है, तो बहुत अच्छा आपको इसमें ग्राफिक्स देखने को मिलेगा। ये रहा स्मूथनेस, आप देख सकते हो ऊपर स्काई देख लो एंड यहाँ पे बाकी लोगों को देख सकते हो, सबको अच्छे से रेंडर हो रहे हैं। एंड अगर मैं दौड़ रहा हूँ तो आप देख सकते हो कितना स्मूथ यहाँ पे दिख रहा है हर चीज़। तो यहाँ पे चलो हॉट ड्रॉप लगाते हैं सेवर्नी का, उतरते हैं यहाँ पे सेवर्नी पे। ये रहा गाइस, काफ़ी स्मूथ ग्राफिक्स देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे सरेंडर हो रहा है। स्मूथ पे अल्ट्रा पे मैं खेल रहा हूँ एंड नीचे पे आप देख सकते हो सारे यहाँ पे नीचे के जितने भी मैप पे आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रहे हैं, ये सब चीज़ काफ़ी अच्छे से यहाँ पे रेंडर हो चुके हैं। चलो उतरते साथ यहाँ पे DP 28 मिल गया। बात करूँ ऑडियो की तो ऑडियो काफ़ी अच्छा आ रहा है, क्लियर है एंड बहुत ही बेसी सा साउंड आ रहा है। ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा स्मूथ लग रहा है, ऐसे मैंने स्मूथ पे अल्ट्रा किया हुआ है इसलिए और भी ज़्यादा स्मूथ लग रहा है। देखो काफ़ी ज़्यादा रेस्पॉन्सिव है। इसका टच सैम्पलिंग रेट इस फ़ोन का 144Hz का, तो टच भी बहुत ही स्मूथ है एकदम मक्खन की तरह। चलो लूट कर लेते हैं। सो यहाँ पे आगे बंदा उतरा है। ओके, दिख गया मुझे। Watch out! He's ahead. चलो अब एक काम करते हैं, ग्राफिक्स को करते हैं हाई एंड फिर प्ले करते हैं। तो मैंने इसे HD पे करके हाई कर दिया है। अभी आप देखो चेंज, शेडोज देख सकते हो घर के अंदर का, यहाँ डार्कनेस देख सकते हो, रूम पे डिटेलिंग, बाहर पे डिटेलिंग देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग यहाँ पे बढ़ चुकी है। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है गाइज हाई सेटिंग पे भी HD पे, एंड अभी तक मुझे ऐसा कुछ भी हीटिंग इशू फील नहीं हो रहा है फ़ोन पे। ग्राफिक्स भी आप देख सकते हो कितने स्मूथ है, प्लेइंग एक्सपीरियंस सच में काफ़ी अच्छा है इस फ़ोन का पोको M4 Pro 5G। इसके अंदर आपको प्रोसेसर मिलता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 का, तो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है।
गया भाई। तो देख सकते हो कितना अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस था। सो 58% पे मैंने गेम शुरू किया था एंड 55% हो रहा है, 13 मिनट्स रिकॉर्ड हो चुका है गेम। सो 13 मिनट से प्ले कर रहा था और सिर्फ 3% का बैटरी यहाँ पे देखने को मिला है ड्रॉप डाउन। ब्राइटनेस की बात करूँ तो ब्राइटनेस आप देख सकते हो 85-90% पे ऑलमोस्ट। तो चलो अब करते हैं यहाँ पे इस गेम को बंद एंड ऑन करते हैं एसफेल्ट 9 एंड उसे प्ले करके दिखाता हूँ कि कैसा वहाँ पे आपको परफॉर्मेंस मिलता है। तो एसफेल्ट 9 मैंने इंस्टॉल कर रखा है। लगता है कि कोई वीडियो देख रहा हूँ मैं, किसी मूवी का सीन है। इस फिल्म को रिफ्लेक्शंस देखो कार पे, वाओ। ग्राफिक्स देखो, ग्राफिक्स मैं सबसे पीछे हो गया यार, हार गया। बट काफी मजेदार एक्सपीरियंस है इसमें गेमिंग का। तो ये था कुछ पोको M4 Pro 5G का गेमिंग एक्सपीरियंस, गेमिंग परफॉर्मेंस आपने देखा। बात करो हीट की तो हाँ, हल्का हीटिंग मुझे महसूस हो रहा है। ये फ़ोन गेम खेलने पे हीट होता है लेकिन आपको गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा मिलता है इस फ़ोन में, आपने देखा। इसमें मैंने आपको दो हेवी गेम्स प्ले करके दिखाई। तो आई होप आपको ये वीडियो से काफ़ी क्लियर हो पाया होगा कि कैसा आपको परफॉर्मेंस मिलने वाला है पोको M4 Pro 5G पे। इसका अंतुतु स्कोर भी काफ़ी ज़्यादा हाई है एंड काफ़ी अच्छा इसका प्रोसेसर है। काफ़ी सही लगा मुझे इसके अंदर परफॉर्मेंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसा लगा, शेयर करना इस वीडियो को, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।